मनोज यादव जी, क्या पार्टी ने विचारधारा पीछे छोड़ दी? आप पर ये आरोप लगा रहे हैं सुरेंद्र राजपूत, और ये लगा रहे हैं क्योंकि आप कांग्रेस के नेताओं को, आप कहते हैं कांग्रेस मुक्त भारत चाहिए, लेकिन कांग्रेस युक्त बीजेपी आप बनाते जा रहे हैं। देखिए दीपक जी, ऐसा है कि वो लोग तो विचारधारा की कदापि बात ना करें। जो लोग मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन बना करके सरकार बनाते हैं, पश्चिम बंगाल के अंदर जो कम्युनिस्टों के साथ खड़े होते हैं और केरल के में उनके विरुद्ध में खड़े होते हैं, तो वो इस तरह की विचारधारा की कोई बात ना करें। लेकिन जब जब सत्ता छूटती है तब तब कांग्रेस टूटती है। कांग्रेस का पूरा इतिहास है, आप देखिए चौधरी चरण सिंह जी अलग हो गए 1967 में, आपने देखा कि कई कामराज और सिंडिकेट चलता था, उसमें से इंदिरा जी अलग हो गई 1977-78 में, आपने देखा इंदिरा गांधी जी ने अपनी इंदिरा आई बनाई, इंदिरा ओ बनी। उसके बाद 1990 के दशक में आप देखिए किस तरह से अर्जुन सिंह जी अलग हो गए, टीएमसी अलग हुई, उन्हीं से टीएमसी निकली है, आपके शरद पवार जी अलग हो गए, और अभी आपने देखा कुछ दिन पहले G23 बना, G23 का नेतृत्व याद आनंद शर्मा जी, जिसमें जितिन प्रसाद जी भी थे, ऐसे अनगिनत फेरिस्ट थी, कपिल सिब्बल जी, बड़े बड़े दिग्गज इनके लोग थे जो उसका नेतृत्व कर रहे थे, बोल रहे थे कि हमें एक वर्किंग प्रेसिडेंट चाहिए। लेकिन ये बताइए कि वर्किंग प्रेसिडेंट क्यों नहीं दिया गया? देखिए ऐसा है दीपक जी, इस पार्टी जो ये एक परिवार एक पार्टी को चला रहा था, अब एक परिवार ही पार्टी बन चुका है, बेटा बेटी माई जवाई यही है कांग्रेस भाई, इसके अलावा कांग्रेस में कुछ बचा नहीं है। और जिस तरह से जतिन प्रसाद जी को इन्होंने कहा कूड़ा था, कूड़ेदान में चला गया, और अभी जो टीएमसी के बारे में बात कर रहे थे, मुकुल राय के बारे में, हमने उनको कोई गाली नहीं दी है, ठीक है वो वापसी कर गए, लेकिन मुकुल राय जी का आपने स्टेटमेंट अच्छा आकर गौर से देखा हो तो उस स्टेटमेंट को चलाइए, उसमें स्पष्ट रूप से मुकुल राय जी ने कहा कि भैया इस हालात में बीजेपी में रहना संभव नहीं है, क्योंकि वहां जिस तरह से बम और बंदूक तंत्र चल रहा है, वहां पर हमारे सुवेंदु अधिकारी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर फायर लूज कराई जा रही है, जिस तरह से डराया जा रहा है, आजाद भारत के इतिहास में चुनाव के बाद में सबसे ज्यादा अगर वहां से पलायन किसी चुनाव के बाद हुआ है तो पश्चिम बंगाल में हुआ है। तो ये जो चल रहा है ये केवल और केवल अवसरवादी लोग हैं। लेकिन मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि कांग्रेस पार्टी नेतृत्व विहीन हो चुकी है।